नमस्ते या अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू DIY जे एंड के। दोस्तों, जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया हुआ है कि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर को इजीली डिसइनफेक्ट कर सकते हैं अपने प्रेशर वॉशर का इस्तेमाल करके। प्रेशर वॉशर से ये काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और मैं प्रोसेस की तरफ बढ़ूँ और तरीका आपको बताना शुरू करूँ, उससे पहले दोस्तों मेरी एक अपील है सभी से जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं। दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इंडिया को सेफ रखने के लिए प्लीज़ आप अपने घर पे रहिए। ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आपकी एक छोटे से कदम से पूरी कंट्री जो है वो सेफ हो सकती है। और प्लीज़ अपनी जान की परवाह कीजिए, अपने घर के अंदर रहिए, अपने चहेतों, अपने रिलेटिव्स, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों की भी परवाह कीजिए और घर के अंदर रहिए। अगर आप घर के बाहर जाते हैं दैट मीन्स आप इन सभी लोगों को खतरे में डाल रहे हैं और कंट्री को भी एज ए होल खतरे में डाल रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं प्लीज़ वही फॉलो कीजिए। र्यूमर मॉन्गरिंग नहीं कीजिए और गर्म पानी का सेवन कीजिए। देखिए मैं भी कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास गर्म पानी का कप है और मैं पी रहा हूँ। आप भी दिन भर गर्म पानी पीते रहिए और इस कोरोना वायरस से बचने के लिए जो भी स्टेप्स आपको बताए जाते हैं उनको फॉलो कीजिए। तो दोस्तों चलिए जल्दी से मैं एपिसोड को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों आप बोल रहे होंगे कि मैंने अपने स्क्रीन पे आपके सामने ये डिस्पेंसर रखा हुआ है जिसको मैंने पहले एपिसोड्स में बोला था, पहले वीडियोस में, काफ़ी वीडियोस में बोला हुआ है कि ये बिल्कुल बेकार चीज़ है, ये बिल्कुल भी यूज़फुल चीज़ नहीं है। बट दोस्तों आज इस मुश्किल की घड़ी में इसका यूज़ हमारे सामने आ चुका है। दोस्तों इसमें आप डिसइनफेक्टेंट डाल सकते हैं, कोई भी डिसइनफेक्टेंट बना के मैं बताऊंगा कि क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं, वो बना के आप इसमें डाल सकते हैं। और इस गन के आगे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं स्प्रे करने के लिए उस डिसइन्फेक्टेंट को जो कि इस बॉटल में है। बट दोस्तों इसको कनेक्ट करने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखिए कि ये जो नोज़ल है इसकी, ये नोज़ल के आगे ही कनेक्ट होगा। यहाँ पे नोज़ल पे ये वॉशर जो है लगी होनी चाहिए, ये वॉशर है ये, ठीक है, ये वॉशर जो है नोज़ल के ऊपर लगी होनी चाहिए। ये वॉशर जो है ये सील बनाती है इसके अंदर, ठीक है, ये इसके अंदर बिल्कुल सील, एयर टाइट लॉक बना देती है। अगर ये वॉशर लगी तभी इसका काम जो है वो बढ़िया तरीके से होगा, अदरवाइज ये बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाएगी। मैं रिसर्च कर रहा था, एक दो दिन से रिसर्च कर रहा था कि क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप फिनाइल डिसइनफेक्टेंट यूज़ कर सकते हैं जिसे हम घर में पोचा वगैरह मारने के लिए यूज़ करते हैं, और आप लाइजोल भी यूज़ कर सकते हैं। लाइजोल काफ़ी इफेक्टिव है कोरोना वायरस को मारने के लिए। और दोस्तों डेटोल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटोल का मैं देख रहा था कि बेसिकली ये एंटीसेप्टिक वॉश है, बट दोस्तों ये कोरोना वायरस के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। अभी जो करंट जो पैकेजिंग है, मेरे घर में भी डेटोल की बोतल है, उस पर तो इसका यूज़ में नहीं लिखा हुआ है, बट जो पुरानी बॉटल्स आती थी, मैं सरप्राइज़ हुआ, मैंने नेट पे जब सर्च किया तो मैं सरप्राइज़ हो गया। मैंने देखा कि पुरानी बॉटल्स के लोगों ने स्नैपशॉट्स चढ़ाए हुए हैं, उन पर साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट कोरोना वायरस और बहुत सारे बैक्टीरियाज वायरसेस का नाम भी लिखा हुआ है। तो ये वो स्क्रीनशॉट है, आप इसमें खुद भी देख सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, पानी में डाइल्यूट करके थोड़ा हाईली कंसनट्रेटेड बनाइएगा, क्योंकि इसमें जो भी आप सोल्यूशन डालेंगे उसके बाद गन से आना वाला पानी भी उसमें मिक्स होगा, ठीक है। तो अगर आप फिनाइल यूज़ कर रहे हैं तो जो आप नॉर्मली घर में पोछा देने के लिए यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा कंसनट्रेटेड बनाइएगा। जो फिनाइल है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा, या डेटोल अगर डालते हैं तो वो भी ज़्यादा रखिएगा, या फिर लाइजोल रखते हैं तो वो भी ज़्यादा रखिएगा, ठीक है। 1:4 की रेशियो मैं रिकमेंड करता हूँ इस बॉटल के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं जल्दी से आपको बाहर ले जाता हूँ और हम देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो दोस्तों मेरे घर में यहाँ पे फिनाइल की बोतल पड़ी हुई थी, काफ़ी पुरानी बोतल है। तो आप इस पे देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है कि ये अल्फा डिसइनफेक्टेंट है, मतलब बहुत ही बढ़िया डिसइनफेक्टेंट है, तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटॉल भी बीच में डालूंगा, तो उसके बाद यहाँ पे पानी मिक्स करके इसका सोल्यूशन मैं तैयार कर रहा हूँ। तो इसी सोल्यूशन को मैं यूज़ करने वाला हूँ अपनी शैम्पू डिस्पेंसर में। तो ये देखिए मैंने बॉटल भरती हुई है, तो इसे आप गन से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद हम स्प्रेइंग स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये स्प्रे आपने अपने घर में हर एक उस जगह पे करना है जहाँ से टीवी आना जाना है आपका या और किसी का, उन सभी एरियाज़ पे इसको स्प्रे कर दीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पे पॉसिबली मुझे लगता है कि कोई प्रोबेबिलिटी है बाहर से किसी चीज़ के चिपक के वायरस के आने की, मैं उन सभी जगहों पे सोल्यूशन को स्प्रे कर रहा हूँ। अपने घर के बाहर भी कीजिए, सराउंडिंग्स भी कीजिए, गेट पर कीजिए,
सभी उन जगहों पर कीजिए जहाँ पर हाथ लगने की संभावना है। जैसे कोई आपके घर में आता है, वो गेट का हैंडल पकड़ के उसको खोलता है, या आप ही बाहर से आके गेट का हैंडल से पकड़ के खोलते हैं। तो इन सभी ये जगहें जो हैं, इन जगहों को आइडेंटिफाई करके इन जगहों पर स्प्रे करना ज़रूरी है, तभी जाके इफेक्टिव रहेगा। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी तीन केमिकल्स के बारे में बताया हुआ जिनको आप यूज़ कर सकते हो कोरोना वायरस के खिलाफ। इनके अलावा भी घरेलू कुछ चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोरोना वायरस को मारने के लिए। दोस्तों, आपके घर में ब्लीच भी पड़ा होता है तो ब्लीच भी वायरस के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। क्लोरीन अगर आपके घर में है तो क्लोरीन के सोल्यूशन को भी आप यूज़ कर सकते हैं कोरोना वायरस को मारने के लिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अफ्रीका में जब इबोला फैला था तो क्लोरीन की वजह से ही इबोला को कंट्रोल कर पाए थे लोग। और नेक्स्ट जो है, आप सबको पता ही होगा कि अल्कोहल भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप आईपीए वगैरह यूज़ कर सकते हैं, अगर आप डिटेलिंग करते हैं आपकी कार की तो आईपीए आपके पास होगा, आईपीए भी यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद आपके घर में अगर फर्स्ट एड बॉक्स है उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड होती है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं कोरोना वायरस को मारने के लिए। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है घाव वगैरह को क्लीन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी कोरोना वायरस के खिलाफ इफेक्टिव है। तो दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके घर में अवेलेबल है तो आप उसे यूज़ करिए और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मैं गाड़ी को भी डिसइनफेक्ट करने का सही तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट एपिसोड कैच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY JNK। बाय बाय।